कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। गोदियाल ने सीएम से ये मुलाकात अपने ऊपर लग रहे आरोपों की जांच के सिलसिले में की। उन्होंने सीएम से मामले की जांच रिटायर्ड जज से करवाने की भी मांग की। और वहीं सीएम से मुलाकात के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मैं 2017 तक मंदिर समिति का अध्यक्ष था और उसके बाद से बीजेपी की सरकार है, आखिर सरकार को अब क्यों याद आई? अब बीजेपी की दूसरी बार सरकार बन गई है, सीधी सी बात यह है कि अब राजनीतिक विद्वेष है। अगर सीएम ने उनकी जांच की मांग नहीं मानी तो वह कोर्ट जाएंगे। साथ ही गोदियाल ने स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर भी इस मामले को लेकर निशाना साधा। प्रकरण के बारे में कि जिस पर कि मंदिर समिति के एक सदस्य ने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर राजनीतिक लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर मुझ पर आरोप लगाए, उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बात का जवाब दिया। मैंने उस दिन ये कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी भी जांच हो, लेकिन ये आरोप इसलिए लगे हैं कि मैंने धन सिंह रावत जी के भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है, इसलिए उनके भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनको भी जांच और मेरी भी जांच, दोनों जांचें हों, और जांच सरकार से न होकर हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग अलग एसआईटी गठित करें और एकदम बाल बाल की जांच हो, बारीक से बारीक जांच हो। तो इस आशय से मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, मैं उन्हें पत्र देकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, निश्चित रूप में इस पर एसआईटी बिठाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इस प्रदेश की जनता का राजनीति पर और राजनीतिक लोगों पर विश्वास बना रह सके।